हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। माय नेम इज नवीन यादव और आज है 17th ऑफ दिसंबर। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इससे पहले एक कोट देख लेते हैं, मोटिवेशनल कोट। ये बोलते हैं, समटाइम्स यू आर ओनली अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन इज ए लीप ऑफ फेथ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है और मुझे तो लगता है कि अगर आप कोई बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर 2 दिन 4 दिन बाद एक बार आपको ऐसा लगेगा कि जो है मेरी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा है, मोटिवेशन हमारा इतना कम हो जाता है कि हमें लगता है कि मैं सही प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अपने टारगेट तक पहुँच पाऊंगा या नहीं पहुँच पाऊंगा। ये बहुत बार ऐसा लगता रहेगा, लेकिन देखिए उस टाइम सिर्फ आपको यही समझना है कि आपको जो है इस टाइम जो है अपने फेथ जो है अपना विश्वास है वो बना के रखना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये और भी लोग जो है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके साथ ये चीज़ हो रही है। तो जिसका फेथ जो है अपना डिटरमाइंड तरीके से जो काम करेगा, जिसको लगेगा कि मेरी मुझे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, सक्सेसफुल होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, वही जो है आखिर में सक्सेस ले जाएगा। देखिए मेहनत तो, देखिए ए बी सी तीन लोग है, मेहनत ये भी करता है, मेहनत ये भी करता है, मेहनत ये भी करता है, लेकिन ये क्या है, ये क्या कहता है, स्टार्टिंग मेहनत करता है, बाद में जो है इसका फेथ जो है बिल्कुल डिगमगा जाता है और धीरे धीरे इसकी तैयारी कम होने लगती है, अपने ऊपर से फेथ चला जाता है, तो इसका सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है। सेकेंड ये अपना फेथ को बनाए बनाए रखता है, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होता है फेथ डिगमगा जाता है और 2-3 दिन ये बीच में खराब कर देता है, फिर ये अपने जो है कोशिश करता है, तो ये देखिए इसको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन जो है ये रैंक इसकी अच्छी नहीं आएगी, ये कहीं ना कहीं लास्ट रैंकों में रहेगा। लेकिन ये जो एक बंदा है थर्ड, सपोज कीजिए, ये जैसे ही इसका फेथ डिगमगाता है ये फिर से जो है फुल एनर्जी के साथ लग जाता है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ ही हो रहा है, अगर मैं इसे आगे बढ़ूंगा तो ही मैं जीत पाऊंगा। तो ये इंसान जो है यही जो है फाइनली सक्सेसफुल होता है, टॉप रैंक में ये इसका नाम आता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, फेथ को बनाए रखना है, राइट। चलिए देखिए, 4 क्वेश्चन पूछे थे मैंने सैटरडे को, तो उसके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि जमाल खशोगी वो हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन 2018 पर्सन ऑफ द ईयर, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर सऊदी अरेबिया। सेकेंड ये था कि बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन राज्यसभा की तरफ से 2018 में कौन चुनी गई है, तो आंसर है इसका कनीमोजी। क्वेश्चन थर्ड था कि नए गवर्नर का नाम बताना था आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो आंसर है इसका शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये क्वेश्चन था विच ट्रैवल सॉरी ट्विटर हैंडल हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सा ट्विटर हैंडल जो है लॉन्च किया है, तो आंसर इसका है साइबर दोस्त। चलिए आज के 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, देखिए ये बोलते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2019 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2019 का जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, 10th, 11th, 12th या 13th। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम ए फुल मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF जो है उसका कौन जो कंट्री है जो फुल मेंबरशिप जिसको मिल गई है, ठीक है, लाओस, इजराइल, ब्राजील, म्यांमार, अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, देखिए आज के लिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, इंडो चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, ठीक है, इंडिया और चाइना की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड, हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, किस लोकेशन पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, चेंगेडू, तेंजिन, गोंजाओ या हानजाओ, तो ये 4 ऑप्शन है, आप इसमें से आपको चाइनीज सिटीज हैं चारों, तो इसमें से नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच इंडियन आर्म फोर्स हैज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर एक्सरसाइज क्रॉस बो 18, ठीक है, ये देखिए पूछ रहे हैं कि विच इंडियन एयरफोर्स, किस इंडियन एयरफोर्स ने पहली अपनी ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है क्रॉस बो 18, तो इंडियन नेवी ने की है, कोस्ट गार्ड ने की है, एयरफोर्स ने की, आर्मी ने करनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। ये देखिए आर्टिकल कांग्रेस से रिगार्डिंग है, कांग्रेस क्या पुरानी कांग्रेस नई कांग्रेस, तो इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं देखेंगे इसको, ये हम जरूर देखेंगे जीसीसी, ठीक है, जो जर्फ सॉरी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके अंदर कैसे जो है विवाद क्या विवाद खड़ा हो गया है और क्या पूरा इशू है इसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे गल्फ क्रिएट हो गया है इसके बीच में, ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे हम। फिर से जो है श्रीलंका की राजनीति से रिगार्डिंग है, श्रीलंका में अभी आपको पता है आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको रीइंस्टेट कर दिया वहाँ के प्रेसिडेंट ने, सिरिसेना जी ने, विक्रम सिंघे को, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, और पूरा आर्टिकल कैसे पूरा हुआ, पॉलिटिकल जो सिचुएशन खराब हुई, तो ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नए पॉइंट्स इसके अंदर है नहीं। ये आर्टिकल हम बहुत अच्छा आर्टिकल है, यानी कि
इस आर्टिकल को, यानी कि आप इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैसे जो एनआरसी हो रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर। ये बैक सीरीज डेटा के बारे में है, काफी बार हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कुछ खास नहीं बताया हुआ इन्होंने। और ये आर्टिकल मंडे को आता है, इसके बारे में ये बताते हैं कि द हिंदू ने कौन कौन सी न्यूज को प्रायोरिटी दी, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये हम आर्टिकल फिर से डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल जो है कि कैसे जो इंडियन सिनेमा है वो कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप है उसके जो है लड़ने में एक तरह से काम आ सकता है, कैसे जो है सोशल अवेयरनेस फैला सकता है, ठीक है। तो ये तीन आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कंट्रीज कौन कौन से हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा कंट्री है सऊदी अरेबिया, उसके अलावा है कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ठीक है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये किसके जो है, ये मैंने मैप दिखाया है जीसीसी कंट्रीज का, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस पे जो आर्टिकल आया उसको डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। ये बताते हैं कतर के जो शेख थे, अभी उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि जो अभी 9 दिसंबर को जो उनकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट जो रियाद में हुई है, वहाँ पे जो है वो एक तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इस जो है मीटिंग के अंदर नहीं जाएंगे। तो इससे मीटिंग से ये पता चलता है, इस डिसीजन से ये पता चलता है कैसे जो है एक डिसयूनिटी जो है गल्फ कंट्रीज के अंदर फैल रही है। अब गल्फ कंट्रीज क्यों कहते हैं ये आपको पता ही है, ये जो है पर्शियन गल्फ है और गल्फ के आसपास ये कंट्रीज लगते हुए, तो इसलिए इसलिए इनको गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है। तो देखिए, कतर का डिसीजन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भाग ना लेना, तो ये बताता है कैसे डिसयूनिटी बढ़ती जा रही है। ये कह रहे हैं इसका रीजन क्या है, देखिए कतर के ऊपर जो है ब्लॉकेड लगाया हुआ है तीन मेजर कंट्रीज ने, कौन कौन सी, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, और तीनों ही कंट्री किसकी मेंबर है, जीसीसी की। ये देखिए, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, ये तीन कंट्रीज ने, ये कतर है, एक मिनट मैं आपको पेन चेंज कर लेता हूँ, शायद दिखाई ना दे रहा हूँ, ये देखिए ये आपका बहरीन है, और ये सॉरी कतर है, कतर के ऊपर जो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यूएई है और बहरीन है, तीनों ने जो है ब्लॉकेड लगाया हुआ है, यानी कि एक तरह से ट्रेड इसके साथ रोक दिया गया है और कोशिश करता है कि आसपास जो है ट्रेड ना हो पाए, तो ब्लॉकेड लगा देना। तो सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई ने जो ब्लॉकेड लगाया, तीनों ही जीसीसी की मेंबर्स है, तो कतर को कहीं ना कहीं लगता है कि हमें एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए कतर ने जो है ये डिसीजन लिया कि इस मीटिंग के अंदर भाग नहीं लेंगे, राइट। और इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल जो आया है, ये बताते हैं देखिए, सऊदी अरेबिया ने जो ये ब्लॉकेड लगाया है या ब्लॉक ये एक तरह से इम्पोज किया था ब्लॉकेड, ये 2017 में जून में किया था, और इसका रीजन ये बताया गया था कि कतर जो है फंडिंग, जो टेररिस्ट है उनको फंडिंग देता है, यानी कि कतर जो है टेररिस्ट को फंडिंग देता है, इसके इसके लिए इसके ऊपर हम ये इम्पोजिशंस लगा रहे हैं। लेकिन ये बताते हैं कि देखिए, रियाद जो है यानी कि सऊदी अरेबिया जो है, अब ग्लोबल प्रेशर आ गया है उसके ऊपर, जैसे ही जमाल खशोगी का मर्डर हुआ तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अमेरिका के प्रेशर है, यूरोप का भी प्रेशर है कि जो कतर के ऊपर भी देखिए इस तरह का, ये देखिए सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, कतर के ऊपर ब्लॉकेड लगाया हुआ है, यमन के अंदर अटैक कर रहा है, ईरान के वैसे ही अगेंस्ट है, ठीक है, और इस तरह की जो है सिचुएशन हो रही है, और उसके बाद अपने जर्नलिस्ट को भी जो है मार दिया इन्होंने, जमाल खशोगी को, तो काफी कारण है जिस वजह से जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से ग्लोबल प्रेशर बनाया जा रहा है, राइट। ये बताते हैं देखिए इसके, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है 2017 के बाद देखिए कतर के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था, ब्लॉकेड लगाया हुआ था, लेकिन अभी रिकॉन्सिलेशन थोड़ा सा नजर आ रहा है, उसके कुछ साइन नजर आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है, अभी अक्टूबर में जो क्राउन प्रिंस है, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, उन्होंने भी जो है उनको भी लगा कि खशोगी के जो के ऊपर जो हमारे प्रेशर बना रहा है, तो उन्होंने क्या कतर की इकोनॉमी को काफी प्रेज किया, ठीक है, कहीं प्रशंसा की। देखिए अपने जो आप चाहते हैं जिसके साथ आपकी सही रिलेशन नहीं है और उसकी आप प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि आप रिकॉन्सिलेशन के मूड में हैं, राइट। उसके बाद जो अभी जीसीसी की मीटिंग के लिए जो स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया, पर्सनल इन्विटेशन भेजा गया किंग सलमान की तरफ से, ठीक है, तो यह भी कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जो कतर के प्रति जो एक तरह से ब्लॉकेड जो लगाया हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट होती नजर आ रही है सऊदी अरेबिया। लेकिन ये बताते हैं देखिए, कतर जो है बहुत छोटा जो है कंट्री है, ठीक है, या किंगडम बोल सकते हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, और ये जो है बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। इनका ये है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा हम जीसीसी के अंदर पार्ट नहीं लेंगे, राइट। और ये पहले ही देखिए लास्ट कुछ दिन पहले ही डिसीजन ले चुके हैं कि ओपेक को भी ये आने वाली जनवरी के बाद क्विट कर देंगे। ओपेक क्या था, एक देखिए कार्टल था, और ये बना कब था, 1960s में। तो ये देखिए बहुत बड़े डिसीजन है, ओपेक से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, जीसीसी की मीटिंग में आप भाग नहीं ले रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप कितने डिफाइंट है और बिल्कुल जो है अभी झुकने को तैयार नहीं है, राइट। ये बताते हैं देखिए, कतर का डिसीजन है ये
पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है। क्लियरली जो ओपेक से निकलना और ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जो सऊदी अरेबिया ने कतर को बिल्कुल अलग किया हुआ है। इस वजह से ये कह रहे हैं, ये ब्लॉकेड जो है इस वजह से जो है टेंशन भी हो गई है जीसीसी कंट्रीज के बीच में या और कंट्रीज है उनके बीच में। ये कहते हैं सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने जो है, ये ओमान और कुवैत ने भी इनको अपसेट किया। ओमान और कुवैत ने देखिए मना कर दिया कि हम जो है ब्लॉकेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुवैत जो है, कुवैत तो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, दोनों जो राइवलरी कैंप है इनके बीच में एक तरह से रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसके बाद बोलते हैं कि देखिए ओमान जो है उनको जो है इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया की इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ रही है, और कतर और ईरान के साथ जो है अपनी टाइज बढ़ाता जा रहा है, राइट। ईरान देखिए किसका, ईरान जो है सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है, सिचुएशन समझिए आप, कतर के सऊदी अरेबिया अगेंस्ट है, यानी कि ईरान और कतर कहीं ना कहीं दोनों एक एक जो है दोस्त इनको बनना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है। ओमान जो है कोशिश कर रहा है कि जो है सऊदी अरेबिया की इन्फ्लुएंस जो है कम पड़े इनके ऊपर। ये कहते हैं ब्लॉकेड की अगर बात करें तो कतर को जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह या फॉरेन पॉलिसी इनकी इंडिपेंडेंट होती है। पहले तो क्या है, जीसीसी की जो बातें बोली जाती थी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता था कतर के ऊपर, लेकिन अब जो है ये ब्लॉकेड लगाने के कारण जो है कतर अपनी फॉरेन पॉलिसी इनकी अलग हो गई है, ये किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं हमास जो है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप के ऊपर उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है टर्की को भी इन्होंने अलाउ कर दिया मिलिट्री कैंप सेटअप करने के लिए। इसके साथ ईरान के साथ जो है अपनी जो टाइज थी, ठीक है, ईरान के साथ टाइज जो है बंद करने की जो है इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था, अब कतर जो है उस चीज को भी नहीं मानता, तो एक तरह से बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये कहते हैं कि देखिए ऐसा जो है, ये पहले तो देखिए ऐसी भी बात होती थी कि जीसीसी के अंदर जो है गल्फ करेंसी बनाई जाएगी, एक कॉमन गल्फ करेंसी होगी, एक रोबोस्ट जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अब ये चीज नजर नहीं आ रही है क्योंकि जो है एक तरह से कंट्री जो है डिवाइड हो गई है, राइट। ये कह रहे हैं कि देखिए जीसीसी का जो पहले ये अभी जो स्टेटमेंट आई है ये यही यानी कि सिंपल सी स्टेटमेंट इन्होंने दी है इस मीटिंग के बाद कि रीजनल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है उनको निपटा जाएगा, लेकिन फाइनली यही कहते हैं कि देखिए अब जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो गई है और अभी जो है ब्लॉकेड का जो इशू है इसको जो है जल्द से जल्द सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है जीसीसी जो है एक तरह से जीसीसी पूरी खत्म भी हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपको चीजें समझ आ गई होगी कैसे कतर के ऊपर जो है एक तरह से ब्लॉकेड लगाया गया, कतर बिल्कुल डिफाइंट हो गया, अब जो है सऊदी अरेबिया झुकने लगा है, ठीक है। ये सब पूरा इस आर्टिकल में बताया हुआ था। ये आर्टिकल देखिए बहुत अच्छा है, स्पेक्ट्रा ऑफ डिपोर्टेशन। अभी आपको पता है एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हुआ, 40 लाख सिटीजन जो असम के सिटीजन थे उनको जो है बोल दिया गया कि आप जो है कहीं ना कहीं सिटीजन नहीं है, उनको दोबारा मौका दिया गया, तिबारा मौका दिया गया। अब दोबारा इनको जब मौका दिया गया तो इनकी जो है ये अपना क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है फाइल कर सकते हैं कि हम जो है हम कहीं ना कहीं असम के रेजिडेंट हैं, और इनको जो है इनकी डेट भी बढ़ा के जो है 31 दिसंबर कर दी गई, राइट। ये तो सिंपल सी बात है कि ठीक है इनको कोशिश की जा रही है, इनको जो है ओवर टाइम दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, ये भी जो है असम की जो है मान्यता प्राप्त कर सकते हैं अगर इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये क्या कह रहे हैं कि देखिए एनआरसी का जो डिबेट है ये सिर्फ ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएं इसके तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और हमारी जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ वो भी जो है बहुत खराब हो सकता है अगर एनआरसी का जो इशू है उसको प्रॉपरली डिस्कस या उसको प्रॉपरली डील नहीं किया गया। तो ये कह रहे हैं कुछ तरह के गवर्नमेंट के मूव्स हैं, जैसे इंडियन आर्मी के चीफ जो है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी जो है सपोर्ट किया एनआरसी को और उन्होंने बोला कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो लीगली नहीं घुसे हैं उनको जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसके अलावा आपको पता है प्राइम मिनिस्टर भी काफी बार ऐसा बोलते हैं, अमित शाह भी ये चीज बार बार बोल चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो डिवाइड क्रिएट हो रहा है असम के अंदर, ठीक है, और इस असम के अंदर डिवाइड के कारण जो है हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ खराब हो सकते हैं, ये चीज हमें देखने की जरूरत है, राइट। ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम बात करें तो सिर्फ इंडिया में नहीं बांग्लादेश में भी बहुत से लोग हैं जो इंडियंस हैं जो वहां जाके रह रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर 2009 के डेटा की बात करें तो करीबन जो है 5 लाख इंडियंस जो हैं बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, और जो है वहां से हमारा अगर साउथ एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसीज हमें बांग्लादेश से ही आता है, ठीक है। और पूरे सबकी बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया, कतर और यूके के बाद जो है बांग्लादेश का ही नंबर आता है जहां से हमें रेमिटेंसीज आता है। रेमिटेंसीज कौन से होते हैं, जो हमारे देश का नागरिक कहीं दूसरे देश में जाके बसता है और वो फिर पैसा वापस भेजता है इंडिया के अंदर, तो वो होते हैं रेमिटेंसीज। तो वो इंडिया के अंदर बांग्लादेश से काफी कुछ आ रहे हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि हमारे जो कंट्री के काफी जो अच्छी अच्छी कंपनीज है वो भी बांग्लादेश में जाके एस्टेब्लिश है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, काफी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और बहुत से लोग जो गए हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, काफ़ी अमीर अमीर लोग हैं वो, यानी कि जो उनकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, और अच्छे लेवल पर वो ट्रेड करते हैं। जबकि अगर बात करें बांग्लादेश के लोग के, बांग्लादेश के लोग जो इंडिया के अंदर जॉब करते हैं वो बिल्कुल लो पेइंग जॉब से, यानी कि बिल्कुल नीचे दर्जे की जॉब से वो करते हैं। तो ये डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर रिलेशन खराब होता है तो किसको ज़्यादा इंपैक्ट होगा? इंडिया को। ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि जो एनआरसी है वो एक तरह से पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो है चल रहा है, ये पॉलिटिकल गैम्बिट नहीं है। लेकिन बात सच ये है कि जो इस तरह के जो हेटफुल एंटी माइग्रेशन या एंटी बांग्लादेशी रिमार्क या कमेंट दिए जा रहे हैं, ये हमारे जो पॉजिटिव रिलेशन है इंडिया और बांग्लादेश, इस रिलेशन को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं, राइट? देखिए, वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है अश्योर किया बांग्लादेश गवर्नमेंट को कि एनआरसी के बाद जो अगर कोई ये पाया गया, सपोज कीजिए 20 लाख लोग भी पाए गए कि वो असम के सिटीजन नहीं है, तो उनको ढाका के अंदर या उन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए, यानी कि बांग्लादेश ने भी ये मानी कि ये इंटरनल मैटर है इंडिया को, हमें इससे कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन एक बात सच है, बांग्लादेश जो है ऑलरेडी जो है काफ़ी रिसोर्स और मैन पावर का जो है इशू उनको आ रहा है, जैसे ही रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज यहाँ पे आके बस गए थे, और कहीं ना कहीं बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम जो है इनके डिपोर्टेशन का भी जो इशू है, ये उनके वहां पे जो है काफी, यानी कि एक तरह से खतरनाक तरीके से रूप ले रहा है, राइट? ये कह रहे हैं कि हाँ, एक और एप्रिहेंशन रहती है, लोगों को ये लगता है बांग्लादेश जो है ज्यादा कंसर्न नहीं है, जैसे कि रोहिंग्या इशू से ज्यादा कंसर्न नहीं था, अभी इंडिया के इशू से भी ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जैसे ही पावर में आए थे उन्होंने बोला था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी है, यानी कि हम जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हम अच्छा रिलेशन बनाएंगे। लेकिन ये कहते हैं रियलिटी कुछ और है, जो ये बोला गया है इससे रियलिटी अलग है। कैसे? ये कहते हैं 2015 में, देखिए आपको पता है नेपाल के अंदर ब्लॉकेड लगा दिया था इंडिया ने, फ्यूल और जो मेडिसिन है या फिर और जो वाइटल सप्लाईज है वो बंद कर दी गई थी, और इसके अलावा देखिए नेपाल के अंदर कितना जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स क्रिएट हो गया था, और वहां पे इलेक्शन होने पे भी जो इंडिया के अगेंस्ट बोला वो इलेक्शन जीत गया। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने जो है और जो चाइनीज कुछ जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, तियानजिन, सेंजिन, या फिर जो ये जियांगजिंग, ये जैनजिंग जो है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, याद रखिए चाइना के, अगर याद रख सकते हैं तो। इसके अलावा कहते हैं ड्राई पोर्ट वगैरह भी है, जो ये जो ल्हासा या जिन जैटी जो है, इस तरह के जो है इनके साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है? यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो मोनोपोली थी ट्रेड रूट की, कि जो नेपाल है उसको इंडिया से ही ट्रेड करना पड़ेगा और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चाइनीज पोर्ट है उसके साथ कनेक्टिविटी, यानी कि इन पोर्ट को जोड़ा जा रहा है चाइनीज पोर्ट के साथ, और रोड की फैसिलिटी है उसको भी जो है इंप्रूव किया जा रहा है। तो इंडिया की जो मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, और इसका कारण क्या है? हमारे इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं उस कारण। ये कहते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशन भी जो है काफी जो है कहीं ना कहीं उसमें भी एक नेगेटिव, यानी कि चीजें इंपैक्ट देखने को मिला है। जब जब पता है 2013 में देखिए इलेक्शन का टाइम था, वहां पे भी तो वहां पे जो है सब्सिडी विड्रॉ कर ली थी इंडिया ने कुकिंग गैस पे और कैरोसिन पे, तो जो है तेल बहुत ज्यादा जो प्राइस बढ़ गया था, और जो है इसके ऊपर जो है इलेक्शन इंडिया चाहती थी, वो पार्टी इलेक्शन जीत गई। तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया और भूटान के रिलेशन भी ये देखने को मिल रहा है। डोकलाम इशू में हमने देखा कैसे भूटान को जो है एक तरह से भूटान जो है शंका में था कि चाइना जो है अपनी एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ा रहा है। साथ साथ में कह रहे हैं कि भूटान ने, तो देखिए जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था उससे भी अपने आप को अलग कर दिया, और इन्होंने बोला कि हम जो है इस एग्रीमेंट में साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। इसके अलावा बताते हैं, देखिए इन मालदीव्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो यहाँ भी जो है इंडिया और चाइना का जो रोल है उसको लेकर काफी जो है विवाद रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, और उसका विवाद जो है हमारा रिलेशन श्रीलंका और मालदीव के साथ भी काफी कुछ खराब हो चुका है। लेकिन ये कहते हैं देखिए, अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो चाइना ऑलरेडी जो है यहां पे ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन होते जा रहे हैं। ये बताते हैं कि हमारी जो अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ उसको जो हमें मेंटेन करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि देखिए, पहले जो ट्रेनिंग कैंप्स थे या इंसर्जेंट कैंप थे बांग्लादेश के अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो गए, तो बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा ये काम करके दिखाया है इंडिया के लिए। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड है वो भी करीबन 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में जो बांग्लादेश है। इसके अलावा देखिए कुछ पोर्ट्स हैं उनमें भी अलाउ किया, चिटगांव पोर्ट है और मोंगला पोर्ट है, इसको भी जो है बांग्लादेश ने अलाउ किया कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा
बढ़ा सकें। जब इतनी चीजों का बेनिफिट हो रहा है हमें, तो क्यों हम ये एनआरसी का जो मुद्दा है इसको आगे बढ़ा के बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन खराब करें। ये कह रहे थे कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट था, नॉन टैरिफ बैरियर का भी इशू था, इसके अलावा बॉर्डर क्लिंग के भी जो इश्यूज थे, ये कह रहे पुरानी बातें हो गई, अब हमारे अंदर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ये जो एनआरसी का इशू है ये हमारे लिए अंदर एक डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन को खराब कर सकता है। तो ये कह रहे हैं इस पर जो है जल्द से जल्द ध्यान देना पड़ेगा। और इस तरह के ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का तो वैसे ही अब इलेक्शन होने वाले हैं, पोल कैंपेन स्टार्ट हो गया है, दिसंबर में इलेक्शन है वहां पे, तो ये जो है इंडिया का जो स्टांस रहेगा एनआरसी का उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यही बताते कि एनआरसी जो है ये पॉलिटिकल जो है एक तरह से ठीक डिसीजन नहीं है, और ये कहीं ना कहीं इस रीजन में अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है, डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर सकता है, जिससे कि दोनों कंट्री के रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल था ये। इसके अलावा देखिए ये आर्टिकल है डिफरेंट रेटिंग, यानी कि ये बताते हैं कि कैसे जो है बॉलीवुड मूवीज को जो है डिसीजन चेंज करने चाहिए, जो है इस तरह की मूवीज बनानी चाहिए जिससे कि लोगों का एटीट्यूड है विमेंस के विमेंस के फेवर में जाए, राइट। ये कहते हैं मी टू मूवमेंट चला, ठीक है। और अभी एक देखिए बताते हैं कुछ एक जियो मैमी करके एक मुंबई में फुल फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन कुछ जो मूवीज है वहां पर नहीं दिखाई गई, उसका रीजन है कि जो उनके डायरेक्टर या फिर उनके प्रोड्यूसर थे उनके ऊपर मी टू के एलिगेशन लगे हुए थे। तो देखिए वहां के फिल्म फेस्टिवल के जो डायरेक्टर हैं वो यही बताती हैं, ये बताती है कि देखिए इस तरह का एनवायरनमेंट जरूरी है, एक कंस्ट्रक्टिव इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जो है विमेंस को हमारे देश के अंदर और अच्छे से एम्पावर करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की जो सेक्सिस्ट फिल्म बनाई जाती है या फिर जो बिहेवियर है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, अगर ये इनप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो इसको जो है रोकने की जरूरत है। ये कहते हैं बॉलीवुड फिल्म जो है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्रिएट कर रही है, वुमेन्स के बारे में जो है नेगेटिव स्टोरी टेलिंग कराई जाती है, यानी कि ऐसे नेगेटिव चीजें दिखाई जाती है जो इन्फ्लुएंस करती है, और इसी वजह से जो है इस तरह के क्राइम भी देखने को मिलते हैं। तो फाइनली ये देखिए यही बात बार बार इंपैक्ट कहते हैं कि देखो स्टोरी टेलिंग का जो है सोशल बिहेवियर जो है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव चीजें दिखाएंगे वुमेन्स के बारे में तो लोगों के पर पॉजिटिव ही चेंज आएगा, अगर हम नेगेटिव दिखाएंगे तो नेगेटिव चेंज आएगा। तो इसके लिए जो है बॉलीवुड को इन चीजों से बचना चाहिए। ये कह रहे हैं आईबीएम की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो करीबन 4000 ऐसी बॉलीवुड मूवीज है जो 1970 से 2017 के बीच में रिलीज हुई जो कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाती है। तो इन चीजों को जो है खत्म करने की जरूरत है। ये भी हमें दिखाना पड़ेगा कि वीमेन्स जो है इक्वल है वो मेन के, बार बार आप जो है उनको एक तरह से बिल्कुल पिछड़ा हुआ या बिल्कुल दबा हुआ नहीं दिखा सकते, इसका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव ही जाता है। ये कह रहे हैं इसके ऊपर किया क्या जा सकता है, ये बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है सीबीएफसी, ये भी जो है जेंडर इक्वेलिटी सर्टिफिकेशन दे सकती है, यानी कि मूवीज को ऐसा सर्टिफिकेशन दे सकती है कि इस मूवी में जेंडर इक्वेलिटी को जो है पूरा तरह से ध्यान दिया गया है। तो लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी जो अपनी चॉइस अपने हिसाब से बनाएंगे कि हम यहां पे देखिए जेंडर इक्वेलिटी दिखाई गई तो इस मूवी को हम देखें या ना देखें, राइट। तो कहीं ना कहीं वो है एक चॉइस के कारण वो देखने ही जाएंगे। तो वही बात ये बार बार रिपीट करते हैं कि ये बोलते हैं कि क्या जो है सेक्सुअल एलिगेशन जो पावरफुल लोगों के ऊपर लग रही है, क्या ये एक तरह से जो जेंडर स्टीरियोटाइप है इसको खत्म कर सकती है। ये बोलते हैं कि क्या ये फ्यूचर जनरेशन को जो है एनकरेज कर सकती है कि जो विमेन्स के खिलाफ रेप या हरासमेंट होता है वो कम हो जाए, क्या ये सेक्सिस्ट बिहेवियर जो है इसको टॉलरेट किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, और कब तक इस चीज को टॉलरेट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछते हैं और ये कहते हैं आंसर यही है कि हम इन चीज को कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है फिल्म मेकिंग के अंदर जेंडर सेंसिटिव जो इशू है उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये है इसका इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, और जो सोशल बिहेवियर है वो चेंज होता है। तो अगर आप ऐसी मूवीज दिखाएंगे जिसमें जेंडर इक्वालिटी होगी तो लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, और वो इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था। इसके अलावा देखिए ये एक थोड़ा सा डेटा दिया गया कि इंडिया के अंदर अभी जो है 95 टाइगर्स की डेथ हुई है 2018 में। ये कह रहे हैं 41 ऐसे टाइगर रहे हैं जो टाइगर रिजर्व में नहीं थे, बाहर रहते थे, यानी कि बाहर आके उनकी डेथ हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि टाइगर रिजर्व है वो कहीं ना कहीं कम उसकी जो है, यानी कि उसको जो रीच है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और टाइगर्स बाहर आ रहे हैं और जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनके कारण उसकी मौत हो रही है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है, ठीक है। तो यही बात ये कहते हैं कि जो कि NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये पूरा डेटा बेस रखती है टाइगर की, जो कंपाइल करती है कितना डेटा होता है। उसके अलावा आपको पता है 2014 में टाइगर
सेंसस भी हुआ था। और सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। सबसे ज्यादा एलिफेंट्स कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। ये जो है डेटा याद रखिए आप। और नेशनल, आपको पता है कि टाइगर के लिए एक प्रोजेक्ट भी लाए थे, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के आसपास, ठीक है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं एनवायरमेंट की सीरीज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर ये सब चीजें मैंने समझाई है आपको, ठीक है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कैसे इसके ऊपर जो है डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, नेवी ने अभी एक अभी लॉन्च करने वाले हैं इंफॉर्मेशन फ्यूजन सिस्टम, IFC, ठीक है। IFC इंफॉर्मेशन फ्यूजन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे होगा क्या? देखिए, इस सिस्टम से क्या होगा कि जो डिफरेंट कंट्रीज है, जो इंडियन ओशन में डिफरेंट कंट्रीज सपोज कीजिए, तो सबसे जो है डेटा लिया जाएगा, और डेटा को एक जगह कलेक्ट करके सबको जो है एक साथ इंफॉर्मेशन ये दी जाएगी कि कौन से जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है या कॉमर्शियल शिपिंग है, कहाँ कहाँ से जो है उसका ट्रेड हो रहा है, यानी कि एक पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। ये कहते हैं इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या होगा, जो कॉमर्शियल शिपिंग है या जिसको व्हाइट शिपिंग भी कहते हैं, वो जो अपना डेटा है वो एक्सचेंज कर सकेगी कंट्री एक दूसरे के, और इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी इंडियन ओशन के बारे में, और जो सिक्योरिटी का इशू है वो भी काफी कुछ इससे मैनेज हो पाएगा। यानी कि देखिए, अगर पूरे इंडियन ओशन में इंडिया को पता है या आसपास की जो कंट्रीज, उनको पता है कौन सी कंट्री शिपिंग कर रही है, कौन से जो है उनके शिपिंग के जो पूरा माल आ रहा है शिप से, तो अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से काफी जो है बेनिफिट होगा, राइट। ये कह रहे हैं जो इसको IFC है, इसको एस्टेब्लिश कहां पे किया गया है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सेक्टर सेंटर जो है गुड़गांव के अंदर, और ये सिंगल पॉइंट होगा जो लिंक करेगा सभी जो कोस्टल रडार्स हैं, सभी को कोस्टल रडार्स के जो डेटा है उसको एक टाइम पे एक जगह कलेक्ट किया जाएगा, और जो रियल टाइम पिक्चर दिखाई जाएगी जो इंडियन कोस्ट लाइन, जो 7,500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, ताकि सभी को इंफॉर्मेशन जो है सभी पूरी इंफॉर्मेशन करेक्टली रहे और रियल टाइम में हमें मिल सके, ठीक है। ये कहते हैं देखिए, इस एग्रीमेंट की बात करें तो ऑलरेडी जो है इंडिया ने एग्रीमेंट हो चुका है 21 कंट्रीज के साथ कि जो उनकी शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं वो हो चुका है, जिससे कि सारी कंट्रीज को जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये कह रहे हैं इंडियन ओशन इतना बड़ा है, एक कंट्री जो है इसका पूरा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए जो है डिफरेंट कंट्रीज को साथ आना पड़ेगा और जो है डेटा को जो है शेयरिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये पूरा आर्टिकल था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये टूरिज्म से रिगार्डिंग है। ये कह रहे हैं देखिए, इंडिया के अंदर जो टूरिज्म है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, कुछ सालों में बात करें 2000 से 2017 के बीच का डेटा दिया है, और कुछ बताया देखिए, महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है यहाँ पे, ठीक है, जो टूरिज्म सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। और डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो तमिलनाडु जो है नंबर वन पे आता है, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे कमाए गए हैं डोमेस्टिक टूरिज्म में, करोड़ की बात करें, 34 करोड़ की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये जो डेटा दिया गया, ये कमाई नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है, ये सिर्फ कितने लोगों ने जो है आए हैं उसका जो है डेटा दिया गया है। और फॉरेन टूरिस्ट कितने आए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए, महाराष्ट्र के अंदर, डोमेस्टिक टूरिस्ट तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा देखिए, इनकम की बात करें तो आंध्रा की जो है 9.6 और केरला की 9.5% जो है GDP, काफ़ी इस पर जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि स्टेट GDP की जो बात करें जो टूरिज्म से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो यानी कि आंध्रा में सबसे ज़्यादा जो GDP डिपेंड करती है वो टूरिज्म से आंध्र प्रदेश की करती है, सेकेंड में केरला में। अगर बात करें हम अंडमान निकोबार की, तो वहां 15% जो है इसी से डिपेंड, क्योंकि आंध्रा का तो, सॉरी, अंडमान का तो आपको पता ही कि वहां पूरा टूरिज्म से रिगार्डिंग चलता है। इसके अलावा ये आर्टिकल है इंडियन बस्टर्ड से रिगार्डिंग, इंडियन बस्टर्ड देखिए ये है, और ये मोस्टली आपको कहां मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसके पॉपुलेशन बिल्कुल जो है थ्रेटन्ड उस पर चली गई, एक्सटेंशन के जो है ये खत्म होने वाली है इसकी पॉपुलेशन, कम से कम ये बताते करीबन 150 ही इंडिविजुअल ऐसे बचे हैं ये, जो 5 स्टेटों में, आसपास की स्टेटों में जो है इनकी पॉपुलेशन बची है इंडियन बस्टर्ड की। और एक टाइम में माना जा रहा था कि इंडियन बस्टर्ड जो है, उसको नेशनल बर्ड बनाया जाएगा, लेकिन जो है ये नेशनल बर्ड तो नहीं बन पाया, लेकिन ये कह रहे हैं इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा खतरे में। और उसका रीज़न क्या है, रीज़न यही बताते कि देखिए, लोग जो है एक तरह एग्रीकल्चर बहुत बढ़ रहा है, देखिए इसका जो एरिया सपोज के ये था, तो अब जो है एरिया जो है एग्रीकल्चर में जो है इन्वॉल्व होता जा रहा, तो इसका जो जो मेजर एरिया था जहां पे इंडियन बस्टर्ड रहता था वो एरिया इसका कम होता जा रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बढ़ती जा रही है, और उसके कारण जो इसका हैबिटेट है इंडियन बस्टर्ड का वो कम होता जा रहा है। सेकेंड, ये कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड्स और वायर फेंस जो यूज होती है, और इसके कारण नई क्रॉप जो आगे इस, ये भी जो है इंडियन बस्टर्ड को जो है इसकी लिविंग के ऊपर जो है खतरा है। ये बताते कि जो बर्ड सर्वाइवल है ये एंडेंजर्ड में, उसका एक रीजन ये भी है कि जो यहाँ पे
प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें विंड टर्बाइन हो गया, तो इन प्रोजेक्ट्स के कारण भी जो है इसकी पॉपुलेशन कम हुई है। इसका एक रीज़न बताते हैं कि देखिए बस्टर्ड का जो फ्रंटल विजन होता है वो ज़्यादा नहीं होता, और जो इसकी लोअर बॉडी है वो हैवी होती है, तो एकदम अगर इसके सामने कोई केबल आ जाए तो ये एकदम से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, तो जो है इसको डाइवर्ट होने में जो केबल जो है टाइम लगता है, तो इसमें काफ़ी जो है इसकी डेथ हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कोलिजन के पावर लाइन्स के कोलिजन्स के कारण काफ़ी डेथ हुई है। थार डेजर्ट्स की ये बात करते हैं, तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 90% जो इसके ओरिजिनल हैबिटेट था वो डिसअपियर्ड हो चुका है, राइट। इसके अलावा देखिए मार्स का इनसाइट है, ठीक है, मार्स का जो इनसाइट है, ये लैंडर जो है ये पूरे एक तरह से मार्स के ऊपर जो है यानी कि ये चला गया है मार्स के ऊपर, ठीक है, और इसने जो है वहाँ टच कर लिया है ग्राउंड को। मार्स को रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, आपको पता है, तो उसी से रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए इनसाइट, ठीक है, इनसाइट। और किसका मिशन है ये? नासा का। कहाँ के लिए है? मार्स के लिए। और ये लैंडर है, ठीक है, लैंडर है, यानी कि वहाँ जाके ये एक तो होता है कि ये सपोज कीजिए कोई मार्स है और वो तो एक तो होता है चारों तरफ चक्कर लगा, ये है लैंडर है जो मार्स के ऊपर जाएगा और वहाँ पे रिसर्च करेगा, ठीक है। तो इनसाइट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड टूर फाइनल है, ये अभी पीवी सिंधु ने जीत लिया है वर्ल्ड टूर फाइनल, आपको पता होना चाहिए किसने जीता, पीवी सिंधु ने। इसके अलावा जो है और भी जो कुछ टूर्नामेंट जीते हैं, ठीक है, और 18 में तो देखिए यही मेजर इवेंट इन्होंने जीता है, लेकिन इन्होंने और भी जो इवेंट जीते हैं उसके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। 2018 में तो वर्ल्ड टूर फाइनल हो गया, 17 में कोरियन ओपन जीता, 16 में चाइना ओपन जीता, 15 में मकाऊ ओपन जीता, 14 में मकाऊ ओपन जीता, 13 में भी जीता, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट जो है देश के लिए ये की है, और ये वर्ल्ड टूर फाइनल भी जीत गई हैं। इसके अलावा ये देखिए आर्टिकल है, ये अभी मैंने बता ही दिया था आपको जो था कि श्रीलंका में जो है जो विवाद चल रहे थे, और ये विक्रमसिंघे है, ये सिरिसेना है, और सिरिसेना जो प्रेसिडेंट है इन्होंने रीइंस्टेट कर दिया है, इनको हटा दिया था विक्रमसिंघे को, राजपक्षे को बनाया, फिर राजपक्षे जो है ट्रस्ट वोट नहीं जीत पाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनके अगेंस्ट ही जजमेंट दिया, अभी जो है इनको रीइंस्टेट कर दिया, दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, जबकि प्रेजिडेंट बिल्कुल चाहते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती आ रही थी वो अब थम गई है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।